हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एली एक्सप्रेस जो एली एक्सप्रेस है, शॉपिंग साइट है चाइना का, उससे जो है शॉपिंग किस तरह से करना है आसानी से और सेफली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको एली एक्सप्रेस में एक अकाउंट खोलना होगा, जैसे कि यहाँ पे माई अकाउंट में जाके यहाँ साइन इन करके आपको साइन इन करने के बाद आपको जो है इस ऐप में जो है, ये चाइना का साइट है तो ये तो आपको पता होगा कि इसमें जो है रेट बहुत कम हो, और यहाँ जो है आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। माई अकाउंट में जाकर आपको पहले शिपिंग एड्रेस देना होगा, अपना सबसे बेहतर शिपिंग एड्रेस देंगे, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एड्रेस में जो है पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि एली एक्सप्रेस के सारे ऑर्डर्स जो हैं जो सबसे कम डिलीवरी फीस में आते हैं या फिर फ्री डिलीवरी में आती है, वो ज़्यादातर पोस्ट से ही आता है। तो आपको जो है अपना एड्रेस अच्छी तरह और पिन कोड अच्छी तरह देना होगा, तो वो आप यहाँ शिपिंग एड्रेस पे जाके अपना दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ न्यू एड्रेस, यहाँ आप अपना कंटैक्ट मोबाइल नंबर और अपना स्ट्रीट एड्रेस, अपना स्टेट कंट्री और जो है सिटी, और जो है आपको पोस्टल कोड सही सही देना है। इसके बाद आपको एड्रेस सेव कर देना है। आप जाते हैं ऐप्स के अंदर, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात है, ये तो चाइना का शॉपिंग साइट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है बाकी रेट के हिसाब से तो है इसमें आप सस्ते में सामान पा सकते हैं। और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी सामान खरीदेंगे तो कोई कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो कम से कम आपको 20 दिन का वक्त सोच के ही करना है कि 20 दिन से पहले ये सामान आएगा नहीं, या फिर हो सकता है 40 दिन, कभी कभी 2 महीने के बाद ही प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स खरीदना है जो इमरजेंसी में ना हो, जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं, और समथिंग कुछ भी इस तरह का जिससे आप अचानक से खरीदना नहीं चाहते या फिर जल्दी ना हो जिस चीज़ में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सर्च आइटम्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ईयरफोन हो, मोबाइल केस कवर या फिर डिस्प्ले। तो हम जाते हैं LCD डिस्प्ले, यहाँ और देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे डिस्प्ले हैं। तो आप यहाँ अपना बेस्ट मैच चूज़ कर सकते हैं, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सेलर्स रेटिंग, अच्छे सेलर जो है सबसे पहले आएंगे जिसका रेटिंग ज़्यादा होंगे, और यहाँ जो है डेट एडेड, न्यू टू ऑल, नया सामान और पुराना सामान, जो नया सामान होगा वो पहले आएगा, जो नया ऐड हुआ है। और यहाँ आपको फिल्टर्स भी कर सकते हैं सर्च में, शिप फ्रॉम कौन से कंट्री से आपको शिपिंग चाहिए, चाइना से या फिर लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह से। और जो है कौन से कंट्री को चाहिए, मेरा यहाँ इंडिया है कंट्री, तो मैं इंडिया चूज करूँगा, और आप अपना मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस दे सकते हैं। और यहाँ जो है फ्री शिपिंग भी आप दे सकते हैं कि, और इस साइट का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कम से कम दाम वाला चीज़ भी फ्री शिपिंग में आ सकता है, तो मतलब शिपिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो है, तो शिपिंग कॉस्ट के लिए कोई भी परेशानी होगी नहीं। तो आपको जो है प्रोडक्ट चूज़ करना है सही से, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि जबकि जितना लंबा दिन होता है
तो आपको रिटर्न करने में या फिर वापस यहाँ से भेजने में जो है आपको परेशानी होगी। यहाँ से वापस भेजेंगे तो आपको शिपिंग चार्ज ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन यहाँ जो है शिपिंग चार्ज बहुत कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अगर मैं रोज़ नोज रिंग खरीदूँगा जो कि देखिए यहाँ 18 रुपीज़ है ऑनली, ठीक है, सिर्फ 18 रुपीज़ या फिर $0.27 है, तो यहाँ आपको सिर्फ 18 रुपया या फिर 19 रुपया देना होगा एक चीज़ एक के लिए, और जो है आपको शिपिंग एकदम फ्री ही मिलेगी। देखिए तो इसमें डेट और टाइम भी दे देता है कितना दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, कम से कम यहाँ देखिए 27 दिन से 49 डेज में आपका सामान आ जाएगा। अगर सामान नहीं आया तो आप जो है उसके लिए सेलर से कांटेक्ट करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो इस तरह से होता है, तो आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ से आपको पहले अपना प्रोडक्ट चूज कर लेना है जो आपको सही लगे, जैसे कि मैं ये 27 रुपीज़ वाला मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैं कोई ऑर्डर प्लेस तो आपको जो है इसको चेक कर लेना है। हाँ, इसमें डिफरेंट शिपिंग मेथड्स होता है, कोई कोई सेलर जो है शिपिंग देता नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ चेक कर लेंगे सबसे पहले कि यहाँ फ्री शिपिंग है कि नहीं, अगर आपको फ्री शिपिंग मिल चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा शिपिंग वाला होगा, देखिए यहाँ $27 है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा जो कि आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो इससे पहले आप चूज कर लेंगे अपना प्रोडक्ट, और फिर जो है अगर आपको उसका कलर कुछ चूज करना है या फिर कुछ साइज होगा, जैसे कि आप शर्ट या फिर कुछ पैंट या फिर कुछ और ख़रीदते हैं जिसका साइज होता है डिफरेंट साइज, तो यहाँ जो आप वो दिखाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ जो सिर्फ मुझे सिल्वर मतलब कलर दिखा रहा है इस चीज़ में, तो मैं कोई भी कलर चूज कर लूँगा। उसके बाद जो है बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ, तो यहाँ जो है ऑर्डर कन्फर्मेशन हो जाएगा, और फिर जो है ऑर्डर बाय नाउ पेज में आ जाएगा जिसमें आप ऑर्डर को पेड करेंगे। ऑर्डर बाय नाउ पेज पे आ जाएगा, ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज में आ जाएगा, तो यहाँ आप उसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ जो आप अगर अपना पेमेंट्स मेथड पहले से सेव किए होंगे, जैसे कि वीज़ा मास्टर कार्ड, जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर वीज़ा और मास्टर कार्ड इस साइट में सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जबकि ये जो है इंटरनेशनल साइट है, तो हमारे बैंक जो हैं वो डोमेस्टिक कार्ड देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम करता है, और क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो है अपने बैंक में जाके बोलना होगा कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दें। कोई भी कार्ड चलेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल होना चाहिए, जो है डोमेस्टिक से होगा नहीं पेमेंट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है, आप जो है ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आप जो है जैसे नॉर्मल कार्ड पेमेंट करते हैं वहाँ कर सकते हैं। यहाँ जो है इस साइट का ये डिमेरिट है कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो आपको जो है कार्ड से पेमेंट करना होगा या फिर डिफरेंट मेथड से, जो कि आपके लिए इतना सुविधाजनक नहीं होगा। सबसे बेहतर है आप जो है अपना कार्ड यूज करें, और वो भी इंटरनेशनल। तो यहाँ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अब ऑर्डर प्लेस हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको ये हम बताएंगे। ऑर्डर प्लेस्ड हो जाने के बाद आपको जो है अपने ऑर्डर्स को चेक करना होगा कि कहाँ तक पहुँचा, अगर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दिया तो। ऑर्डर प्लेस्ड हो करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पेमेंट वेटिंग कन्फर्मेशन पे सबसे पहले आएगा, मेरा तो यहाँ कोई ऑर्डर है नहीं, तो आपको अगर पेमेंट करेंगे पहली बार तो वो यहाँ पे दिखाएगा, डिस्प्ले होगा। यहाँ जो है आपको कम से कम 6 घंटा वेरिफिकेशन पे रखेगा कि ये पेमेंट सही हुआ कि नहीं, जबकि ये इंटरनेशनल साइट है तो जो है आपको थोड़ा वेट करना होगा पेमेंट कन्फर्मेशन करने के लिए। तो 6 घंटे के बाद जब पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा तो आपको जो है ऑर्डर अवेटिंग शिपमेंट में आपका जो ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वह सब वन बाई वन यहाँ लिस्ट होंगे। और जो है ऑर्डर अवेटिंग शिपमेंट जो उसका शिपमेंट टाइम होता है, जैसे कोई सेलर का 2 डेज होता है, किसी ने अपना टाइम जो है 3 डेज दिया होता है, तो आपको यहाँ पहले चेक कर लेना। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो आप सोचिए ये प्रोडक्ट है, आप जो है यहाँ
डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, प्रोडक्ट आइटम्स डिस्क्रिप्शन, और यहाँ जो आप उसके सारे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं उस प्रोडक्ट के, और जो है आप सेलर के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि इस सेलर का जो है पेमेंट के बारे में दिया है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, वेस्टर्न यूनियन, ये सब जो है पेमेंट वो मतलब जो है एक्सेप्ट करता है। और फिर जो है शिपिंग शिपमेंट के बारे में यहाँ लिखा है 2 to 7 वर्ल्ड टेस्ट आफ्टर द पेमेंट वेरिफिकेशन। तो ये इसका मतलब ये है कि 2 से 7 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे अगर आपको जो है इस तरह से चेक कर लेना है कि कौन सा सेलर कितने दिन में शिफ्ट कर सकता है, हर चीज़ हर सेलर का अलग अलग टाइम होता है, तो आपको कम से कम 3 दिन हाथ में लेना चाहिए कि 3 दिन के बाद आपका ऑर्डर जो है शिफ्ट होगा सेलर के पास से। फिर जो ऑर्डर अवेटिंग शिपमेंट में अगर शिपमेंट हो गया, सेलर ने शिफ्ट कर दिया है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा आपका ऑर्डर, ऑर्डर्स अवेटिंग, गुड्स अवेटिंग कन्फर्मेशन में। यहाँ जो है मैंने मेरा जो 8 ऑर्डर्स है और जो है वो यहाँ आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पहले 5 दिन कम से कम 5 दिन के लिए आपको जो है कोई ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब गुड्स अवेटिंग कन्फर्मेशन में आपका सामान आ जाएगा, तो आपको जो है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन और जो ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स सब यहाँ दिखाएंगे। पर ये जो ट्रैकिंग डिटेल्स है उसके लिए आपको कम से कम 5 दिन का वक्त लगेगा कि ट्रैकिंग अपडेट होने में, या फिर कोई कोई सामान ऐसा होता है जो ट्रैक करता ही नहीं है, जो बहुत ही छोटा सामान होता है जैसे कि 18 रुपीज़, वो सिर्फ चाइना के अंदर ही ट्रैक होता है। मैं देखिए यहाँ एग्जाम्पल, मेरा 1.54 डॉलर का ये सामान है, ये कार्बिंग टूल है जो है, इसका ट्रैकिंग सिर्फ यहीं तक है कि सक्सेसफुल पिकअप बाय चाइना पोस्ट, बस यहीं तक ही ट्रैकिंग डिटेल्स है। और ये और ट्रैकिंग डिटेल लास्ट डेट है 2016/10/8 को, और मैंने ऑर्डर प्लेस्ड किया था, यहाँ देख सकते हैं 2016/10/5 को, मतलब सिर्फ 3 दिन के ट्रैकिंग डिटेल्स हैं और जो है इसके बाद कोई ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं है। पर इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका ऑर्डर सेफ है और जो है आपका ऑर्डर जो है बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, तो आपको बस इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर अब परेशानी ये है आप तो ट्रैक नहीं कर सकते, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्रोडक्ट आया भी नहीं आया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देन अगर और एक बात यहाँ बता देता हूँ, ऑर्डर जब शिपमेंट हो जाएगा, जब सेंड हो जाएगा, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम जो ख़त्म हो जाएगा, अब जो ऑर्डर ऑन द गो है आपके पास पहुंचने वाला है, तो इसके बाद भी परेशानी यह है कि आपको जो है वेट करना होगा, और आपको ये भी नहीं पता आपको कितना दिन वेट करना होगा, कम से कम 20 दिन 25 दिन। तो हर सेलर का एक टाइम होता है, मतलब लिमिटेड टाइम, और जो है आपको सेलर चूज करना होगा कि आप अगर उतने दिन इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं प्रोडक्ट के लिए, तो उस हिसाब से आप सेलर चेंज भी कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट दूसरे सेलर से खरीद सकते हैं अगर उसका डिलीवरी टाइम कम हो। तो यहाँ देखिए इस सेलर का जो है डिलीवरी टाइम जो है 60 डेज दिया है, मतलब आपको कम से कम 2 महीने इंतज़ार करना होगा, या फिर आपको प्रोडक्ट हो सकता है 15 दिन में पहुँच जाए, या फिर 2 महीने के बाद भी पहुँचे। तो अब ये बात है कि अब जो है वो शिप करने के बाद आपको जो है टाइम दे देगा कि इतने दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने ख़रीदा है ब्लूटूथ हेडसेट, तो इसका जो है मेरा टाइम और बचा है 41 डेज, वो मुझे 60 डेज दिया था, अभी मेरा सिर्फ 41 डेज बचा है। तो अब बात यह है कि अगर ये 41 डेज भी ख़त्म हो जाए और जो है आपको प्रोडक्ट ना मिले, तो तब क्या करना है, आपने तो पेमेंट कर चुका है, और अगर ये डेट ख़त्म हो गया तो आपका बायर प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको जो है उसका ना ही पैसे मिलेंगे, ना ही रिफंड होगा, और ना ही प्रोडक्ट कोई नया आएगा। तो आपको जो है हर प्रोडक्ट को प्लेस करने से पहले उसका जो है हर सेलर अपना एक बायर प्रोटेक्शन टाइम देता है, ये देखिए परचेस प्रोटेक्शन टाइम जो है वो 60 डेज होता है, किसी का 20 डेज होता है, किसी का 45 डेज होता है, तो आप उसको चेक कर लेंगे और फिर जो है उसी हिसाब से इंतज़ार करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है
नहीं पहुंचा है और जो है बायर प्रोटेक्शन या फिर परचेज प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म होने वाला है, जैसे कि अब और 10 दिन रह गया, तो तब आपको क्या करना है। यहाँ देखिए, ये मेरा ऑर्डर है, ये बहुत दिन का हो गया पर अब तक ये पहुंचा नहीं है, जबकि ये बहुत छोटा सामान है। तो इसके लिए मेरा जो है बायर प्रोटेक्शन ख़त्म होने वाला था और मेरा सिर्फ 5 दिन था, तो मैंने ये बायर प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। और वो आपको इस तरह करना है कि आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिए होंगे ओपन डिस्प्यूट, हर ऑर्डर के नीचे यहाँ ऑप्शन होता है ओपन डिस्प्यूट। देखिए यहाँ जो भी ऑर्डर्स होंगे यहाँ उसके नीचे ओपन डिस्प्यूट लिखे होंगे। तो इसको आपको क्या करना है, जब आपका प्रोडक्ट सही वक्त पर नहीं मिला और जो है वक्त ख़त्म होने वाला है और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, जैसे कि 7 दिन सोचो बच गया अभी और आपका प्रोडक्ट मिला नहीं, तो ये गारंटी भी नहीं कि 7 दिन के अंदर मिल जाएगा करके। तो आपको जो है तभी जब कम से कम 5 दिन होगा या फिर 7 दिन होगा, कम से कम 7 दिन रख लीजिए, 7 दिन होगा तभी आपको जो है अपना ओपन डिस्प्यूट ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको क्या होगा, वो लॉग इन करवाएगा, तो यहाँ पे आप अपना प्रपोजल लिख सकते हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम क्या है, आपका बायर प्रोटेक्शन ख़त्म हो रहा है और आप जो है आपका प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं है, तो आप यहाँ ओपन डिस्प्यूट करके अपना प्रपोजल रख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, रिफ़ंड ऑनली चाहिए या फिर रिफ़ंड आपको मिलेगा, आपको सामान मिल गया है जो आपको पसंद नहीं है सामान। हाँ, और एक बात है, अगर आप जो है सामान कुछ खरीदे हैं और वो डिफेक्टिव निकला या फिर ऐसा सामान है, कुछ दूसरा सामान आ गया, ऐसा होता रहता है ऑनलाइन शॉपिंग में, पर ऐसा बहुत कम चांस है, पर मे भी डिफेक्टिव हो सकता है, जबकि चाइना से इंडिया आ रहा है इतना दूर से, तो रास्ते में कस्टम प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो है अगर रिटर्न भी करना है तो यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, ओपन डिस्प्यूट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये डिस्प्यूट को ओपन तभी करेंगे जब तक यहाँ बायर प्रोटेक्शन रहेगा। अगर यहाँ बायर प्रोटेक्शन 0-0 हो जाएगा कि आप कोई डेज नहीं बता, तो आपका जो ऑर्डर अपने आप कन्फर्म हो जाएगा और जो है उसका कोई रिफंड, कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, और ना ही अगर प्रोडक्ट पहुँचा हो तब भी, और ना ही ना भी पहुँचा हो और तब आपको इसका कोई पेमेंट या फिर रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका परचेस प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म ना हो। तो आपको पहले ओपन डिस्प्यूट करना है, उसके बाद जो है आप अपना प्रपोजल रख सकते हैं। अगर आपको जो है ओनली पैसे चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट नहीं पाए हैं, नहीं मिला आपको, तो आप रिफ़ंड ओनली कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना सामान जो है अपना जो शॉपिंग जो किए हैं अगर वो पा चुके हैं पर उसे वापस करवाना चाहते हैं और रिफ़ंड चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ क्लिक करना होगा रिफ़ंड एंड रिटर्न आइटम। तो आपको यहाँ रीज़न देना होगा कि क्या वजह है, आप सब देंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ दिखा देगा कि आपको कितने डॉलर वापस मिल सकते हैं, जितना पेड किए होंगे पूरा पूरा आपको मिल जाएगा और वो पैसे आपको जो है 2 दिन में मिल जाएंगे अगर आपने सही से पेमेंट किया होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो। लेकिन अगर वेस्टर्न यूनियन किए होंगे या फिर दूसरा मेथड से, तो उस पर थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इसमें जो है आप अपना फ़ोटो भेज सकते हैं कि नहीं देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है और जो है इसका ये प्रॉब्लम है, यहाँ आपको फ़ोटो उठाना देना ज़रूरी है और जो आपको स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों वापस करनी है। तो इससे क्या होगा, आप ये सब करके जो अपना डिस्प्यूट सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ऑनली रिफंड ऑनली करूँगा क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अब तक मिला नहीं है और मेरा जो परचेस प्रोटेक्शन ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ वो पूछेगा कि मैंने ऑर्डर रिसीव किया कि नहीं, तो मुझे करना है नो और रीज़न लिखना है कि लॉजिस्टिक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा कोई ट्रैकिंग है नहीं, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा कि अब कोई ट्रैकिंग नहीं रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन चूज करना है, परचेस प्रोटेक्शन इज रनिंग आउट बट पैकेज इज स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब परचेस प्रोटेक्शन ख़त्म हो रहा है बट ट्रैकिंग में दिखा रहा है कि प्रोडक्ट अभी तक पहुँच रहा है आपके रास्ते में ही, ऑन द वे है, पर आपका जो परचेस प्रोटेक्शन अगर ख़त्म हो गया तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको चूज़ कर लेना है। और यहाँ जो आपको
आपने जो ऑर्डर प्लेस्ड किए होंगे, जितना रुपीस दिए होंगे, वो जो है यहाँ नीचे लिखा होगा इस साइड में, तो यहाँ आपको दे देना है कि मुझे इतना पेमेंट फिर वापस चाहिए, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। और फिर जो है आप अपना यहाँ लिख सकते हैं वजह क्या है रिफंड का। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगा परचेज प्रोटेक्शन इज रनिंग आउट, या फिर आप कुछ और लिख सकते हैं जैसे कि इट्स टू लेट नाउ, आई कांट वेट फॉर सो मच टाइम, या फिर कुछ और जो भी आप चाहें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, बस इतना लिखना है कि वे कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉब्लम है, और फिर जो है आपको यहाँ सबमिट कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो, इसके बाद आप अगर डिस्प्यूट ओपन कर दिए, ठीक है, और इसके बाद जो है सेलर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, वो यहाँ ऑर्डर मैसेज में आएगा, आपको सेलर कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई जो है इतना दिन बाकी है, मैंने पोस्ट ऑफिस से बात किया था कि आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहुंच जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ वो आपको बता देगा। जैसे कि मेरा इससे पहले खोल चुका था तो वो मुझे वापस मैसेज किया था, डियर, जैसे कि ये मैसेज है, डियर प्लीज़ डोंट वरी द पैकेज हैज अराइव्ड एट योर कंट्री, यू विल रिसीव इट सून, जो है वी हैव एक्सटेंडेड 10 मोर डेज ड्यू टू शिपिंग, तो वो एक्स्ट्रा 10 दिन बढ़ा दिया था। अगर आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको एक्स्ट्रा देगा बाय परचेस प्रोटेक्शन। अगर फिर भी आपको कोई मतलब आपको नहीं चाहिए, आपको तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डिस्प्यूट क्लोज ना करें, यहाँ आपको कैंसिल डिस्प्यूट का ऑप्शन है। अगर आप प्रोडक्ट और चाहिए ही नहीं, आपको पेमेंट वापस चाहिए, तो आपको कैंसिल डिस्प्यूट करना है। और अगर 4 दिन के अंदर आपको सेलर जो है कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, डिस्प्यूट पर नज़र नहीं दिया, तो उसके बाद क्या होगा, अपने आप जो है आपके हिसाब से, आप जिस हिसाब से डिस्प्यूट खोलेंगे वही हिसाब से एयरलाइन एक्सप्रेस काम करेगा। जैसे कि आपको अगर आपने लिखा होगा कि आपको अपना सिर्फ रिफंड ही चाहिए, आपको जो है प्रोडक्ट मिला नहीं, आपको रिफंड चाहिए, तो जो है वो आपको 2 दिन में पेमेंट कर देगा। और अगर सेलर आपसे जो है रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं जो है डिस्प्यूट को कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारा परचेज प्रोटेक्शन बढ़ा देता हूँ, या फिर कुछ और, तो आप जो है आपको जो नहीं लगे तो मैसेज के हिसाब से आप करना है। अगर आपको सेलर पे दया आता है कि नहीं छोड़ो भेज दिया है सामान पहुँच जाएगा, आप वेट कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ डिस्प्यूट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आपकी जो है पेमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो आपको जो है डिस्प्यूट पर जमे रहना है और उसको कैंसिल नहीं करना, तो आपको जो है पेमेंट वापस आ जाएगा। तो मेरा अभी डिस्प्यूट जो है उसे कैंसिल कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे और भी 12 दिन वेट करना है। तो ठीक है, अब आपको जो है प्रोडक्ट मिल गया, कॉल आने पोस्ट में आने के आपको सामान दे दिया, तो इसके बाद करना क्या है, आपको जो है ऑर्डर को कन्फर्म करना है, कन्फर्म रिसीट ऑर्डर, और जो है कन्फर्म करके यहाँ मेरा तो ऑर्डर हुआ नहीं है, उसको कन्फर्म कर देना। इसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा आपको लीव फीडबैक पे यहाँ। अब इसमें जो है आप अपने प्रोडक्ट को रेटिंग कर सकते हैं, उसको आपको पता होगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट को रेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप अपना जो है शॉपिंग कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के, बिना कोई लॉस के। सब चीज़ का ख्याल रखना है कि किस तरह से आपको आपका सामान वापस मिले या फिर आपका पेमेंट वापस मिल जाए। सो बस इतना ही इस साइट के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।